हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ बिहार का फेमस ठकुआ, वो भी गुड़ से बना हुआ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। गुड़ वाला ठकुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 1 किलो आटा लिया है। 1 किलो आटा 4 कप के करीब होता है। और गुड़ की चाशनी हमें बनानी पड़ेगी पहले, तो उसके लिए हम 1.5 कप पानी ले लेंगे यहाँ पे, आधा कप। फिर यहाँ पे ये आधा किलो गुड़ है। आधा किलो गुड़ इसलिए 1 किलो आटे में आधा किलो गुड़ पड़ेगा, मीठा जो है वो तभी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमने आधा किलो गुड़ ले लिया है। अब हम पहले गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए पानी में हम ये गुड़ डाल देंगे। और इसे हम गैस पे चढ़ा के पिघला लेते हैं। इसे गुड़ को हमें पिघला लेना है, तो इसे हम चलाते हुए इसे पिघला लेना। कोई हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ जो है वो पिघल जाना चाहिए इसमें। गुड़ को चलाते हुए अच्छे से पिघला ले, बस उतनी देर ही हमें पकाना है जितने देर में ये गुड़ जो है वो पिघल जाएगा। यहाँ पे गैस को बंद कर दे, गुड़ पिघल गया। अब इसे हम छान लेते हैं। ये मैंने छान लिया, ये देखिए इसमें जो भी डस्ट है गुड़ में वो निकल जाता है इससे, तो ये साफ हो जाएगा गुड़ आपका। अब इसे हम साइड कर लेते हैं, तब तक गुड़ के पानी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम आटा ले लेंगे, उसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच घी और 1 चम्मच सौंफ। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है घी को आटे में, हाथ से ऐसे ऐसे मैल करके, जिससे कि ये अच्छा खस्ता बनेगा। पांच से सात मिनट आप इसे ऐसे ही मले। ये मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से मल दिया है, जिससे ये खस्ता बनेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने गुड़ को पिघला के रखा है वो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालें फिर इसे अच्छे से मैश कर लें। और गुड़ का जो पिघला के आपने रखा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म ना डालें, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ऐसे करके अच्छे से हाथों से एक बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये गुड़ के ठकुआ के लिए आटा तैयार हो गया। अब हम इसमें से जितनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं उतनी बड़ी बड़ी हमें लोइट बना लेनी है। ऐसे करके अब इसे हम साइड करते हैं पहले। और अगर आपके पास कोई साचा नहीं हो ठकुआ बनाने वाला, तो आप इस तरह का जो ग्रेटर आता है वो ले सकते हैं, या फिर आप प्लेन चॉपिंग बोर्ड पे भी बना सकते हैं। तो 1 लोई ले लेंगे
और इसे ऐसे लड्डू का शेप देके लंबा सा, और इस पे हम डाल के और दबा देंगे। ये देखिए ये ठकुआ बनके तैयार हो गया। ऐसे ही हम सब बना लेंगे पहले। लंबा गोला सेब आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का कर सकते हैं, जैसा आप सेब बना के खाना पसंद करें। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, कम से कम इतना मोटा होना चाहिए। इस पे मैंने बता दिया, अब मैं चॉपिंग बोर्ड पे भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप ऐसे ही एक लोई ले लें और सिंपल सा हाथों से इसे दबा के और कांटे से आप इस पे डिजाइन बना लें। ये बन गया डिजाइन। आप कुछ भी बना सकते हैं, बिना डिजाइन के भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही पहले सारे ठकुए को आप बना के रख लें। ये मैंने बना लिया, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लिया है, अब इसमें हम ये डाल देंगे। और इसे फ्राई होने देंगे, गैस को लो टू मीडियम कर लें, जिससे कि अंदर से भी ये पक जाए अच्छे से। ये देखिए ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इसे निकाल ले, ये हमारा गुड़ का ठकुआ बनके तैयार हो गया। आप इसे एक बार जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।